गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो बेटा, हाउ आर यू? फाइन, आप सब ठीक है? वेरी गुड बेटा। आई नो दैट योर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट एंड वी हैव टू स्टार्ट अवर सेकेंड चैप्टर, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट दैट वी विल अगेन रिवाइज दिस फर्स्ट चैप्टर, है ना? वी विल रिवाइज अवर फर्स्ट चैप्टर अगेन। सो वी नो दैट नथिंग इज देयर इन अवर फर्स्ट चैप्टर, ओनली वन थिंग इज देयर एंड दैट इज प्लेस वैल्यू सिस्टम। इफ वी नो द प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, देन वी विल कंप्लीट नंबर नेम्स, न्यूमरल्स, है ना? देन वी कंपेयर द नंबर्स ऑल्सो, वी विल राइट द असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सो मैनी थिंग्स। ठीक है बेटे? तो फर्स्ट लेट्स रिवाइज अवर चैप्टर वन, एंड इन अवर चैप्टर वन वी विल डू अवर प्लेस वैल्यू सिस्टम। ओके बेटा, सो फर्स्ट वी हैव टू नो वट इज द प्लेस वैल्यू। प्लेस मीन्स स्पेस। ऑल ऑफ यू नो वट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस। प्लेस मीन्स जगह, है ना? एंड द वैल्यू, वैल्यू मीन्स द इम्पॉर्टेंस। ठीक है, इम्पॉर्टेंस। सो इट मीन्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, वैन यू गो टू स्कूल एंड देयर आर सो मैनी बेंचेस एंड वन चेयर एंड टेबल टेबल इज देयर, ठीक है? देन द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट चेयर इज वॉट? फॉर होम दैट चेयर, फॉर टीचर, है ना? एंड द बेंचेज आर फॉर स्टूडेंट। इट मीन्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट चेयर इज टीचर एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट बेंच इज स्टूडेंट। ओके बेटा, लाइक दैट इन मैथ्स ऑल्सो वी विल लर्न प्लेस वैल्यू सिस्टम। मीन्स वेन वी राइट एनी नंबर, ठीक है, वन डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर, एंड इफ यू वॉन्ट टू नो द प्लेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट, देन हाउ विल वी नो? सो फॉर दैट वी हैव टू लर्न द प्लेस वैल्यू सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। अवर फर्स्ट प्लेस वैल्यू सिस्टम इज इंडियन एंड सेकेंड वन इज इंटरनेशनल। नाउ इन इंडियन एंड इन इंटरनेशनल, ठीक है ना? इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में फाइव प्लेस की जो वैल्यूज होती है वो बिल्कुल सेम होती है। फाइव प्लेस वैल्यूज आर सेम इन बोथ सिस्टम। बोथ मीन्स इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। सो ऑल ऑफ यू नो द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वंस? यस, ओ, देन टेंस, टी, हंड्रेड, एच, ठीक है, देन थाउजेंड, टी एच, एंड टेन थाउजेंड, टी, टी एच। वाई? बिकॉज टेन मीन्स टी एंड थाउजेंड टी एच, ठीक है बेटा? बट बिफोर दैट वी हैव टू लर्न पीरियड्स ऑफ। मैथ्स में हम जब प्लेस वैल्यू सिस्टम, अभी तक हम जब थर्ड क्लास में अपना वर्क कर रहे थे तो थर्ड वर्क क्लास में हमने जो प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ा था उसमें सिर्फ फोर डिजिट के प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़े थे हम, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड, ठीक है? क्योंकि अब हम आ गए फोर्थ क्लास में, नाउ वी आर इन फोर्थ क्लास, है ना? अब हम बड़े हो गए हैं और अब हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। जब हम फर्स्ट नर्सरी में जब ए बी सी डी सीखी, फिर आपने कुछ थोड़े से वर्ड सीखे, ऐसे ही मैथ्स में फोर डिजिट के बाद में अब हमारा जो सिस्टम है वो फाइव से सिक्स, सिक्स से सेवन, सेवन से एट, एट से नाइन, ठीक है? तो अब हम प्लेस वैल्यू सिस्टम स्टार्ट करें अपना। सो लेट्स स्टार्ट अवर प्लेस वैल्यू सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल draw the periods, अच्छा periods को आपको रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले जब हम कोई भी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, सबसे पहले हमारा जो प्लेस है मैथ्स का वो स्टार्ट कहाँ से होता है? वन से, है ना? शॉर्ट फॉर्म इज ओ। तो इट मीन्स हियर वी विल राइट वंस। दिस इज वंस पीरियड, और वंस पीरियड को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं क्योंकि वंस में थ्री प्लेस वैल्यूज आती हैं एंड द थ्री प्लेस वैल्यूज आर वंस, टेंस मीन्स थ्री, एंड देन हंड्रेड। क्लियर बेटा? आफ्टर दैट नेक्स्ट प्लेस वैल्यू, नेक्स्ट प्लेस वैल्यू जब हम नेक्स्ट प्लेस वैल्यू पे आएंगे तो हमारा ये फर्स्ट पीरियड यहाँ पे फिनिश हो चुका है।
फर्स्ट पीरियड में, फर्स्ट पीरियड है वंस पीरियड जो स्टार्टिंग पे दिखा है ना, वंस दिस इज अवर वंस फर्स्ट पीरियड एंड हियर वी हैव थ्री प्लेसमेंट, ठीक है, आफ्टर वंस वी हैव थाउजेंड, टी एच ओ यू एस ए एन डी एस थाउजेंड्स, ठीक है बेटा, एंड थाउजेंड्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टी एच मीन्स थाउजेंड means 10,000, ठीक है, आफ्टर 10,000, आफ्टर 10,000 अगेन फाइव डिजिट नंबर इज कम्प्लीट, इफ यू कम टू सिक्स डिजिट नंबर और सेवन डिजिट नंबर देन आफ्टर थाउजेंड पीरियड, क्योंकि ये स्टार्टिंग थाउजेंड से हुई है, तो आफ्टर थाउजेंड लैक्स, एल ए के एन एस लैक्स, ठीक है, लैक्स में जो है उसको भी मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, लैक्स में भी टू प्लेस वैल्यूज होती हैं, फर्स्ट इज एल इज लैक एंड टी एल मीन्स टेन लैक, क्लियर हुआ बेटा आपको, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैं आपको उसको एक रिविज़न करवा लूँ ताकि इस रिविज़न से आपको फिर से याद आ जाए कि हमने अप्रैल मंथ में क्या किया था या अभी जस्ट कुछ दिन पहले जो हमने लाइव क्लास की थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, ठीक है बेटा, तो आफ्टर लैक्स, ठीक है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, आफ्टर सेवन डिजिट इफ यू कम टू एट डिजिट नंबर और नाइन डिजिट नंबर देन नेक्स्ट पीरियड इज अवर करोड़, सी आर ओ आर ई एस करोड़, क्लियर बेटा, एंड इन करोड़ अगेन वी हैव टू प्लेस वैल्यूज करोड़ एंड टेन, एंड दिस इज अवर इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है बेटा, ये अपना इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है, यानी जब हम इंडियन इंडिया के अंदर कोई भी चीज़ की काउंटिंग करते हैं नंबर्स की तो हम उसमें इस प्लेस वैल्यू सिस्टम को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम, वी हैव फर्स्ट वी विल राइट पीरियड्स, सबसे पहले हम पीरियड्स देखते हैं एंड अवर फर्स्ट पीरियड इज वंस, देन नेक्स्ट वन इज थाउजेंड्स एंड आफ्टर दैट लैक्स एंड आफ्टर लैक्स बिकम टू करोड़, ठीक है, वंस पीरियड इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स, थ्री पार्ट्स, ठीक है, वंस में कितनी प्लेस वैल्यूज आती हैं, थ्री प्लेस वैल्यूज, विच वन, यस टेल मी, वंस टेंस हंड्रेड, वेरी गुड, वंस टेंस हंड्रेड, ओके, एंड इन वंस आफ्टर वंस टेंस हंड्रेड देन इन थाउजेंड्स वी हैव टू प्लेस वैल्यूज, वी हैव टू प्लेस वैल्यूज, दिस इज थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड, आफ्टर थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड देन नेक्स्ट पीरियड इज लैक्स and lakhs, in lakhs again we have two place values lakhs, 10 lakhs, after 10 lakhs then we come to crore period and in crore we have crore and 10 crore, we have crore and 10 crore, all of you learn beta, so this is our Indian place value system, ab next jo hamara place value system hai usko samajhne se pehle choti si cheez hum aur samjhe, theek hai, kyunki learn one thing more, वो ये कि मैंने आपको क्लास थ्री में भी समझाया था और फोर्थ में भी जब हमने कुछ पीरियड्स लिए थे उसमें भी मैंने आपको क्या बताया था कि जो हंड्रेड होता है हंड्रेड का कोई भी फ्रेंड नहीं है, क्योंकि हंड्रेड ने किसी को भी अपना फ्रेंड नहीं बनाया, वो हमेशा अकेला रहता है ना, हंड्रेड विल लिव अलोन, ठीक है, इट मीन्स अकेला, तो हंड्रेड के नीचे में सिंगल लाइन खींची थी, इट मीन्स हंड्रेड के नीचे जो भी डिजिट होगा उसको हम अकेले ही रीड आउट करेंगे, वी विल रीड आउट अलोन विच डिजिट हंड्रेड, ठीक है, हंड्रेड प्लेस वैल्यू नाउ, एंड अगर हम हंड्रेड को छोड़ दें, इफ़ यू लीव हंड्रेड देन ऑल प्लेस वैल्यूज है बेस्ट फ्रेंड, सभी के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लाइक वंस है टेंथ फ्रेंड, वन तो है उसका फ्रेंड कौन है टेंथ, इट मीन वंस एंड टेंथ आर बेस्ट फ्रेंड, और वो हमेशा एक साथ रहते थे, वी लिव टुगेदर एंड वी विल रीड आउट टुगेदर, हम उनको एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी उससे भी आपको समझ आ जाएगा, जैसे वन एंड यस बेटा, जैसे वन फोर फोर्टीन, लुक एट हियर, वन फोर फोर्टीन, ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट नंबर, तो हम ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, हम इनको एक साथ रीड आउट करते हैं, यस और नो, यस, नाउ जस्ट राइट द नाइन डिजिट नंबर
Okay, we will write first 9 digit number, then we will write this number in place value chart. Okay beta, so let's see. Now we have 9 digit number here. मेरे पास 9 डिजिट नंबर है. अब मुझे क्या करना है, इस 9 डिजिट नंबर को मुझे नोट डाउन करना है. इसमें हमें इसे नंबर नेम्स में नोट करना है और इसे रीड आउट भी करना है. देन हाउ विल वी रीड आउट दिस नंबर, डू यू नो? यस, आई नो दैट माय स्टूडेंट्स नो इट. व्हाई? बिकॉज़ वी हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट इन मंथ ऑफ अप्रैल. बट अगेन लुक एट हियर, हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दिस नंबर इन दिस प्लेस वैल्यू चार्ट. ठीक है, एंड वी विल राइट दिस नंबर फ्रॉम विच साइड? विल स्टार्ट फ्रॉम, यस, दिस साइड. दिस साइड इज राइट हैंड साइड. ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी विल राइट दिस नंबर 1 9 8 7 6 4 3 2 9. क्लियर बेटा? लिख लिया इसको? अच्छा, अब मैंने आपको क्या कहा था ना, आई टोल्ड यू दैट 100 विल लिव अलोंग, 100 विल, है ना, 100 हैज नो फ्रेंड, 200 हैज नो फ्रेंड, इट मीन्स विल द एलो, ये हमेशा अकेला रहेगा. नाउ वी विल मेक द पेयर्स ऑफ ऑल नंबर्स. ठीक है, हो गए पेयर्स? अच्छा, अब आपको मैंने सबसे पहले ऊपर लिखना सिखाए थे पीरियड्स. एक चीज़ होगी, हर पीरियड के बाद में कॉमा लगता है. व्हेन द पीरियड इज कंप्लीटेड देन यू पुट कॉमा. इट मींस हियर 100 इज हियर, देन यू विल पुट कॉमा हियर. देन आफ्टर 1000 पीरियड में फिनिश हियर, इट मींस यू विल पुट कॉमा हियर. नाउ नेक्स्ट पीरियड फिनिश हियर, सो अगेन यू विल पुट कॉमा. अब इसको रीड आउट करने के लिए मैंने देखो यहाँ पे 100 का एलोन कर दिया, बाकी सबके मैंने पेयर्स बना दिए. अब इसको रीड आउट कैसे करना है, फर्स्ट अब हम रीड आउट जब करेंगे तो राइट हैंड साइड से नहीं करेंगे, हम रीड आउट कहाँ से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से. ठीक है, वी विल रीड आउट फ्रॉम दिस साइड लेफ्ट हैंड साइड. द फर्स्ट इज 92, दिस इज 92, वी विल राइट 92. क्या है? लाख है, थाउजेंड है, क्या है ये? दिस इज करोड़. ये कौन से पीरियड्स के कॉलम में है? करोड़. 92 करोड़. ठीक है, देन 34 किस कॉलम में है, किस पीरियड में, लाख में? सो 30 78 क्या है? यस, नो, 67. यस, ये 8 तो क्या है, 100 है ना, इसलिए 67. क्या, व्हाट, क्या ये 67 करोड़ है? नो, 67,000. वेल, तो एस आई एक्स टी बाय 67,000. Then 891. So here we will write EIGHT. क्लियर बेटा? नाउ ये आपका है हाउ टू रीड आउट द नंबर्स, हाउ टू रीड आउट द 9 डिजिट नंबर और 8 डिजिट नंबर और 7 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, देन हाउ टू राइट द नंबर नेम, हाउ टू राइट द नंबर नेम, हाउ टू रीड आउट द नंबर एंड हाउ टू राइट द नंबर नेम. ठीक है बेटा, ऑल ऑफ यू लर्न दिस. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कन्वर्जन ऑफ दिस नंबर नेम इन टू
यस न्यूमरल्स यस। अब हम नंबर नेम को न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे? पहले हम इंडियन प्लेस वाली चार्ट को ही कर देंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपने देख लिया कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द प्लेस वाली चार्ट एंड इन प्लेस वाली चार्ट फर्स्ट वी राइट द पीरियड्स, देन आफ्टर दैट इन एवरी पीरियड्स वी विल राइट द प्लेस वैल्यूज ऑफ देयर, ठीक है। देन गिवन नंबर, सम गिवन नंबर इज देयर, देन वी राइट द गिवन नंबर इन दैट प्लेस वैल्यू चार्ट, देन वी विल मेक द पेयर्स of that numbers, we will put comma after every period, okay, and 100 will come alone, okay, और बाकी सबको क्या करेंगे, we will read out in pairs, like lakhs, crores, thousands, ठीक है बेटा, and ones and tens, and then we will write the this one in spellings of words, so this is your number name, clear? After this, one more number I will give it to you. Okay. And this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is 8 digit number. So no problem, again we will draw the place of the chart. Here once. After this, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन एवरी पीरियड वी विल यस राइट द प्लेस वैल्यू, सो फर्स्ट इज वंस, कैन यू सी दिस वन, यस ओ मीन्स वंस, टी मीन्स टेन्स, एच मीन्स हंड्रेड, टी एच मीन्स थाउजेंड, टी टी एच मीन्स yes 10,000, that means lakh, L means 10 lakh, C means crore, and C means 10 crore. Now we write the given number in this place value chart, okay, and from which side we will write the number, from right hand side. We start from here, 1, 5, 6, 0, 0, 5, 2, 7, here we come. Now we will make the pairs, first we will draw the single line below the 100 and then we make the pairs of 1, 10, 1000, 10,000, 10,000. Now here, only crore is given, 10 crore is not given, so we will make a single line below the crore, ठीक है बेटा? Now write the number here. So write this number, ठीक है? Now we make the pairs because we know that 100 will become alone. So after every period we will put comma here. Yes or no? Yes. Now write these numbers in words. So before that, first we know how to read out this number. Yes, we know that 7 crore, 7 crore, then 25 lakhs. Yes, 00 means nothing, so we will say 0,000. No. So we will come to 651. It means 7,25,651. Again, see beta, 7,25,651. Now we will write this number in words. So 7. All of you know 7. Then 7 what? Crore.
Okay, after 7 crore, 25 lakh. So write it here. 25 lakh. है ना? तो 7 करोड़ 25 लाख. ओके बेटा, देन 651. सो वी विल राइट 651. ओके, सो लाइक दिस वी विल राइट दिस नंबर इन नंबर नेम. सो वी विल राइट दिस न्यूमरल इनटू वर्ड्स. ठीक है बेटा, 7 crore 25 lakh 651, बिकॉज 1000 इज नॉट गिवन. नाउ वी विल कम टू अवर बुक एंड वी विल स्टार्ट अवर बुक एक्सरसाइज 1.1. एंड फर्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर टू. सो ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक बेटा, टेक आउट योर बुक्स फ्रॉम योर बैग, take out a pencil, very good, and do this work in your notebook also. Okay, this is your examples, don't do this one. Now we will start our book, that questions you have to do in your book. Yes, Peter, see this book, and this book exercise 1.1, our second question. See this second question, yes, hai na? Read out this question. Place commas according to the period. It means place commas according to the period. ठीक है बेटा, and then write the number name. So for this question, you have to draw the place and the chart. So many students do this question directly. No beta. First of all, you will draw the place value chart. You have to draw the place value chart. You have to write the period, place values, and the number in column. Then after that, you have to write the numbers like that, put commas and write like this. And then you will write this number in words. It means in number names. ठीक है, तो question number two आपको ऐसे करना है. You have to do this question number two like this. Clear? So this question, you have to complete this question A, B, C, D, E. Question number 2. ठीक है बेटा, for you I will complete first and for A and C. A and C I will do for you. A and C. ठीक है बेटे. So all of you learn this one. This is your examples. ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स है. नो नीड टू राइट इन योर नोटबुक. ये आपको अपनी नोटबुक्स में नहीं करना है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स समझाए. ठीक है, दिस इज अवर एग्जाम्पल्स. क्लियर? नाउ लेट स्टार्ट अवर यूनिट एंड इन एक्सरसाइज 1.1. फर्स्ट वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2. Right hand side you will write this number. Okay, now you know that after every period you will put comma. Okay, so like this we will put comma. Now make the pair 110, 100 alone and 1000 and 10,000. Now 64 is 1000. So SIXTY 64
दो, है ना बेटा? How to read out this number? So we know that 1 and 10 are best friends, 100 is alone, 1000 and 10,000 are best friends. And again, this lakh is alone here. Why? Because 10 lakh is not here. Hai na? 10 lakh is not given. So we draw the place in the chart. 1000s, and after 1000 we will write lakhs here. Okay, ones is divided in how many parts? 3 parts. Ones, tens, and hundred. Ones have 3 place value. Ones period has 3 place value. And 1000 is divided in 2 parts. 1000, 10,000. Then lakhs is again divided in how many parts? 2 parts. And then we write the number here. Okay, we write number from right hand side. 806105. Okay, and we will make the pairs. I think your A is completed. आप सब ने A अपनी नोटबुक में फिनिश किया है बेटा? राइट योर क्लास वर्क. दिस इज योर क्लास वर्क. ठीक है बेटा? सो A इज कंप्लीटेड. सो वी इरेज दिस A. नाउ आई विल राइट द नंबर नेम एंड नंबर इन कॉमन. So first we will write the 5, 0, 1, 6, 0, 8, and I know that after every period we will put comma. So after 100, comma here, then after 10,000, comma. Okay. Now how to read out this number? 5 lakh. 0, 1 means 1. So 5,1608. Write it. 5,1,608. Clear beta? So A and C I have completed for you. A and C मैंने आपको समझाया. Now this B, D and E you have to do your own. B, D and E आपको अपने आप करना है. क्लियर हो गया बेटा? अगर आप देख लीजिए वापस. क्लियर? दिस वन इज सी. ए आप इससे जस्ट पहले कर चुके हैं. क्लियर? यस. सो तो थे आपके बेटा नंबर नेम्स. दिस वन इज योर नंबर नेम. नाउ वी हैव टू लर्न हाउ टू राइट द नंबर नेम इन टू न्यूमरल्स. नंबर नेम्स को न्यूमरल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? तो इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है. बताती कैसे? फर्स्ट जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 है ए. ठीक है, इसमें आपको मैचिंग दी है. ठीक है, सो ओके वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको जो क्वेश्चन दिया है
softer ones, thousand के बाद में let's, है ना। तो अब हमें क्या करना है कि हमारी जो प्लेस वैल्यूज है उसमें जो हमें प्लेस वैल्यू गिवन है वंस, टेंस, हंड्रेड, 10,000, 10,000 लैक्स, इसमें से जो प्लेस वैल्यूज गिवन है उसके नीचे हम सबसे पहले अंडरलाइन कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं 87,000, तो 1000 के नीचे मैंने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया, ठीक है बेटे। 1000 के नीचे मैंने क्या किया, अंडरलाइन। उसके बाद में 200, फिर से ये प्लेस वैल्यू दिखे, इसके नीचे भी मैंने अंडरलाइन कर दिया, 1062। अब आपको कुछ भी करना है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें पीरियड्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे प्लेस वैल्यू देखेंगे, डिवाइड द प्लेस वैल्यू, बिकॉज ओनली 1000 इज देयर, दैट्स व्हाई 10,000 तक को बनाया। अब आपको नंबर्स क्या है, ये 1000 है, 87,000 कितना गिवन है, 87, आपको पता है 1000 10,000 पेयर्स में होते हैं, 100 एलोन होता है, और 1 and 10 भी पेयर्स में होते हैं। तो ये दोनों पेयर्स में तो आपको पेयर गिवन है 1000 का, यस 87, लाइक 87, आफ्टर दैट 200, सो 100 इज 2, दैन 60, लाइक 60, कितना इजी है ना। इट मीन जो भी हमें गिवन है उसकी जो प्लेस वैल्यूज है उनके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, तो फिर आप तो नोट कर लीजिए। अब आपको पता है कि हर पीरियड के बाद कॉमा लगता है, सो क्लियर। नाउ इसी का मैं आपको एक और करा देती हूँ, वो मैं आपको करा देती हूँ डी, ठीक है। आपको डी में दिया हुआ है 4 lakh, फोर लैख 26,000, फोर लैख 26,370, आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से ब्लैकबोर्ड मेरे हिसाब से। अब सिंपल हम क्या करेंगे कि आपने फर्स्ट वाला देखिए कैसे किया हमने, है ना। आपको क्या करना है, इसी के नीचे इसमें हम कॉलम बढ़ा देंगे, रैक भी बना लेंगे इसको, और ज़रा तो इसे पेन रैक की जरूरत कर देते हैं, इसी के नीचे से कर देंगे। अब आप देखिए 4 lakh के नीचे लाइन 26,000 के नीचे लाइन, 300 के नीचे लाइन। अब लैक कितना गिवन है, 4, यानी ये सिंगल है इसलिए आ गया 4, ठीक है। देन 26,000 कितना है, 26, देन 300, तो 100 मीन्स 3, एंड देन 70, हो गया बेटा ये आपको। अब आप उसको कॉमास लगा के भी लिख सकते हैं, आपको पता है हर पीरियड्स के बारे में आपके कॉमास। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको आ गया है ना, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 की मैचिंग कर सकते हैं, यस। सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये आपको हो गया क्लियर, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन 3 में ए एंड डी करवाया है, तो बी और सी आप अपने आप करेंगे, क्योंकि और क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको ए और सी करवाया, तो बी डी ई आपको क्या करना है, ठीक है। दिस इज द होमवर्क, एंड इन क्वेश्चन नंबर 1 मैचिंग है, तो आप मैचिंग बुक में ही करेंगे पेंसिल से, ठीक है। यूज़ पेंसिल, डोंट यूज़ पेन इन योर बुक, ठीक है बेटा। सो एंड डोंट मेक लाइन्स, ओनली राइट द अल्फाबेट्स हियर, जैसे ए का तो विच वन इज ए, यहाँ पे आप ए, जहाँ पे भी ए आएगा वहाँ ए लिखेंगे, बी जो होगा उसको बी लिखेंगे, ओके बेटा। लाइक दिस यू हैव टू डू योर वर्क, लाइक दिस यू हैव टू डू योर वर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लुक दिस क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 8 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको क्या करना है,
एट जो डिजिट है उनकी आपको प्लेस वैल्यूज बतानी है, तो आपको बहुत इजी है, मैं भी बताती हूँ। आप बोलिए कि मैम ये तो एक ही चीज़ प्लेस वैल्यू सिस्टम से हमने तो बहुत कुछ सीख लिया, कैसे? आपको सबसे पहले क्या करना है इसमें, ड्रॉ द प्लेस वैल्यू चार्ट, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड टेन टेन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इज एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चंस। नाउ दिस ई एंड एफ यू हैव टू डू योरसेल्फ, ई और एफ आप अपने आप करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर देखिए दिस वन, अब आपको इसमें से फिर नंबर्स लिखने, लेग्स आपको लेग्स गिवन है, यस देखिए कौन सा आप प्लेस वैल्यू ऊपर से लिख सकते हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, लेग्स नहीं है तो लेग्स में लगाइए जीरो, देन 10,000 इज 7, ठीक है, एंड 1,000 इज 3, देन 100 मीन्स 7, एंड 10 इज 4, एंड 1 इज 1, ठीक है, तो 1 प्लेस पे 1 डिजिट है, तो आपको ये भी इसी तरह से, ठीक है बेटे, तो यहाँ पे भी सेम, अब जैसे 1, 10, 100, 1,000, 10,000, एंड लैक, तो लैक इज 2, देन 10,000 आपको क्या गिवन है, 0, राइट इज 0, then in 1,000, 1 is 10, 100,000, 5 is 1,000, yeah, right here 5, then 100 is 3, 10 is 8, है ना, it means 80, and in 1s you will write 0, यहाँ पे बेटा आप S लिख लेना, ये by mistake missing होती है, तो आपके आज की exercise 1.1 complete है, जो मैंने आपको revision भी करवा दी और आपको complete भी करा दिया है, आप इसे अपनी notebook में करेंगे, ठीक है बेटा, मैं इसकी photos आपको क्लिक करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दूँगी, ठीक है, आई विल सेंड यू दिस वन दिस फोटो इन योर व्हाट्सएप ग्रुप एंड होमवर्क ऑल्सो, सो ओके बेटा डू योर वर्क नीट एंड क्लीन, डू क्लास वर्क ऑल्सो, फर्स्ट डू क्लास वर्क, आफ्टर दैट यू हैव टू डू योर होमवर्क, ठीक है, राइट डे एंड देन यू डू योर होमवर्क, ओके बेटा बाय।